गंगा के घाट पर अपने मेडल बहाने के लिए इस देश की सबसे होनहार बेटियां, वो वीरांगनाएं, वो सितारे हिंद जिनको कहा जाता है, वो गंगा के तट पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे और टूटे हुए सपने थे। वो इस देश की मृत आत्मा से कुछ कह रही थी और उन्होंने ये साफ तौर से कहा, इस देश में हमारा कुछ नहीं बचा है। सरकार चुप थी, शाम तक मीडिया भी चुप था, साथी बड़े खिलाड़ी, बड़ी हस्तियां, बड़ी सेलिब्रिटीज चुप, राजा चुप, एक शब्द नहीं। एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, जब बेटियां घसीटी जा रही थी, पीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूट तले, तब राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। और आज भी राजा ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा बेटियों के लिए। राजा ने एक बार नहीं कहा, मैं अपील करता हूं आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन हम इस मंच से बार बार अपील करेंगे इन बेटियों से, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ये मेडल आपकी खून पसीने की कमाई है, इस देश का गौरव है, इस देश की खातिर उनको पानी में मत बहाइएगा, गंगा में मत बहाइएगा। एक निरंकुश राजा, उसकी निरंकुश सरकार जरूर आपके साथ गलत कर रही है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन इतिहास यह पूछेगा कि जब देश की बेटियों के साथ यह हो रहा था, और मैं एक चीज कुछ भी कहने से पहले यहां जरूर कहना चाहती हूं, साक्षी मलिक एकमात्र ऐसी महिला है जिनको कुश्ती में, ओलंपिक में, देश में मेडल मिला है, एकमात्र, और आज वो मेडल गंगा में बहाने को मजबूर है। आप सब लोगों ने इन खिलाड़ियों को सराहा है, इनकी हौसला अफजाई करी है। सोचिए एक बार, मुझे अगर याद है तो वो दिन था 18 अगस्त 2016 का, वो दिन जब साक्षी मलिक जीती थी और जब वो उत्साह से तिरंगे में लिपटी हुई, आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने कोच के साथ खुशी मना रही थी, मेरे अभी भी बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब की शायद गले रूंध गए थे, हम सबका सिर, और हमारा मान बढ़ाने का काम किया था साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016। आज वो साक्षी मलिक हर की पौड़ी पे बैठी है अपने मेडल बहाने के लिए, क्योंकि एक निरंकुश सरकार उनकी, उनके साथी खिलाड़ियों की मांग नहीं सुनना चाहती है। अगर ये समाज मुर्दा नहीं है, अगर इस सरकार की आत्मा मृत नहीं है, अगर प्रधानमंत्री तानाशाह और राजा नहीं बन चुका है, तो ये क्या है? मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये क्यों किया जा रहा है? एक सांसद को बचाने के लिए हम बार बार ये पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार इस तरह से नतमस्तक है? गंभीर आरोप लगे हैं, पॉक्सो तक का आरोप लगा है। आप हटिए अपने पद से, जांच होने दीजिए और फिर पद पर वापसी करिएगा। ऐसा कौन सा मोह है प्रधानमंत्री मोदी का और गृहमंत्री अमित शाह का बृजभूषण शरण सिंह से? कौन सी उनकी अंदरूनी राजनीति है जिससे बृजभूषण शरण सिंह का संरक्षण खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और संरक्षण हमेशा आरोपियों का करते हैं। हम क्यों ना ये कहें कि ये बेटी विरोधी सरकार है? वो बेटी चाहे इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी हो या इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े हुए ये क्यों पाए जाते हैं? क्यों मोदी जी आज अपनी चुप्पी तोड़कर एक अपील नहीं कर पाए इन बेटियों से? क्यों मोदी जी न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को यह विश्वास, यह ढांढस
नहीं बंधा पाते कि आपके साथ न्याय होगा। आज बेटियां खुलकर कह रही हैं, हम करें तो क्या करें, हमारी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है। और अब जो गंगा अपने आप में सबको समाहित कर लेती है, हम उसी में अपना मेडल बहाने जा रहे हैं। ये सच कहा है उन्होंने, गंगा अपने आप में पाप और पुण्य दोनों को समाहित करती है, पुण्य उन बेटियों का लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के। और ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों के घाव पर कुरेद कुरेद कर वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो, क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं। लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूं, अगर ये महिला अस्मिता का मुद्दा नहीं है तो महिला अस्मिता का मुद्दा क्या है? स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं, उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप, हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले, और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल नारी शक्ति के 9 साल, मुझे समझ में नहीं आता, ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे है, इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में, ये नारी शक्ति का सम्मान है? 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं? लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत सबको याद है ना, कैसे द्रौपदी को घसीटा गया था और उसकी कीमत सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं चुकाई थी, उसकी कीमत उसके पूरे वंश और उस पूरी सदी ने चुकाई थी। आज भी ये बेटियां हैं, इनको घसीटा जा रहा है और आंख पर पट्टी बांधे हुए आज भी एक राजा मौन धारण किए हुए है। आज सवाल यह है कि इन बेटियों को क्या इतना मजबूर, आपने क्यों इतना मजबूर कर दिया कि अपने मेडल बहाने को तैयार हैं? 5 दिन का वक्त टिकैत जी ने उनसे लिया है, उनको मेडल सौंप दिए हैं, क्या सरकार 5 दिन में चेतेगी? क्या सरकार 5 दिन में न्याय की गुहार करती हुई बेटियों की बात सुनेगी? क्योंकि इतना सड़ चुका है सरकार का जमीर कि उसमें से बदबू आने लगी है। आज सच यह है कि जिन लोगों को बेटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए वो लड़कियों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वो इनके इतने बड़े कीर्तिमानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो इन्हीं को अपशब्द कह रहे हैं। आज मीडिया चुप है, कब तक चुप रहिएगा आप? कब तक चीयर लीडर बनाकर 9 साल की खुशी मनाते रहिएगा? और आज जो भी चुप है याद रखिएगा, तटस्थ रहने का समय नहीं है, क्योंकि समय आपके भी अपराध लिखेगा। संस्थाएं इस देश में पॉक्सो का आरोप लगा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन एनसीपीसीआर की तरफ से एक शब्द, एक कार्रवाई, एक चिट्ठी न सरकार को न इलेक्शन कमीशन को। आप तो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप खोलने के लिए नहीं। पॉक्सो जैसा गंभीर आरोप लगा है, महिलाओं ने, इस देश की बेटियों ने शोषण का आरोप लगाया है, और एनसीडब्ल्यू जो रह रहकर चिट्ठी बांटता है, रेखा वर्मा जी को सुधी नहीं है, 1 महीने से ऊपर हो गया ये बेटियां बैठी थी। तो आज सवाल ये जरूर पूछना पड़ेगा कि भाजपा की निरंकुशता, मोदी जी का संरक्षण, और मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूं, बेटियों के अत्याचारी, उनके दुष्कर्मी पर
प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो वो इन बेटियों को दिलासा देते, विश्वास देते, न्याय का की गुहार लगा रही है। ये हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं इन बेटियों को इस मंच से, ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जो आपके कीर्तिमानों को समाप्त करे, क्योंकि आपने इस देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक निरंकुश सरकार, एक आंखों पे पट्टी बांधे हुए राजा, हर बार आरोपी के साथ खड़ा हुआ प्रधानमंत्री आपको न्याय ना दे, लेकिन यह देश आपके साथ खड़ा है और यह देश देख रहा है कि कैसे बार बार बेटियों के अपमान में और संरक्षणों के साथ ये सरकार खड़ी होती है। आज जो गंगा के तट पर गंगा ने देखा वो पुण्य और पाप की वेदी के बीच की खाई है, और मैं आशा करती हूं कि सरकार जागेगी, अपनी बेच खाई हुई नैतिकता को याद करेगी और जरूर इन बेटियों को न्याय देने का काम करेगी, क्योंकि बेटियों का रोता हुआ चेहरा और ब्रजभूषण सिंह का दमकता हुआ चेहरा ये इस देश का दुर्भाग्य है आज।